बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने बाउंड्री कंडीशंस डिस्कस की थी, आज हम ये प्रूव करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो एग्जिस्ट करती है। तो हम अस्यूम कर रहे हैं कि हम ऐसे रीजन में खड़े हैं जो लीनियर है, आइसोट्रॉपिक है और होमोजेनियस मीडियम है, और जो सोर्सेज हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वो दूर कहीं यहाँ से एग्जिस्ट करते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर जहाँ हम खड़े हैं सोर्सेज ज़ीरो है, तो इसलिए जे और रो की टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो पहली मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो इसी तरह एम भी ज़ीरो हो जाएगा। तो पहली मैक्सवेल इक्वेशन डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच, और दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन हमारे सामने है। तो हम इस पहली इक्वेशन को दोनों साइडों से क्रॉस कर लेते हैं। तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू डेल क्रॉस एच, और डेल क्रॉस एच जो है ये दूसरी इक्वेशन से हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी एक इक्वेशन जिसके अंदर ई एक ही वेरिएबल है ई। डेल क्रॉस ई जो है वो हमारा जो है ये वेक्टर आइडेंटिटी, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है और इसे कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। सिमिलरली हम एच फील्ड के लिए भी हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये जो ओमेगा म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट है ये के बराबर है और इसे कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट और वेव नंबर। इन ए लॉसलेस मीडियम म्यू और एप्सिलॉन जो है रियल नंबर है और के जो है वो भी रियल है। तो हम अस्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो फील्ड है उसमें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कोई वेरिएशन नहीं है, और इस तरह से हमारी इक्वेशन पार्शियल स्क्वायर ई एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके दो सॉल्यूशन हैं जो नीचे नज़र आ रहे हैं, और इन सॉल्यूशंस में ये चूंकि ये फेजर फॉर्म में सॉल्यूशंस हैं, हम इसे टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई जे ओमेगा से मल्टीप्लाई करें और उसकी रियल पार्ट ले लें। ये ई प्लस और ई माइनस जो है वो रियल नंबर है, इसके साथ अगर कोई फेज वाली टर्म होती तो वो कॉस ओमेगा टी माइनस जे जेड नॉट में ऐड हो जाती, लेकिन यहाँ हम अस्यूम करें कि ई प्लस और ई माइनस जो है रियल नंबर है। पहली टर्म जो है रिप्रेजेंट कर रही है एक वेव प्रोपगेशन प्लस जेड डायरेक्शन, और दूसरी टर्म जो है ये वेव प्रोपगेशन इन माइनस जेड डायरेक्शन। जब टाइम और डिस्टेंस जो है वो वेरिएबल ओमेगा टी माइनस के जेड की शक्ल में आए, यानी तो ये हमारी एक प्रोपगेटिंग वेव है। इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हैं, और ये चूंकि फेजर फॉर्म मैक्सवेल इक्वेशंस थी तो ये सॉल्यूशन भी फेजर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉल्यूशन है। इसे हम जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करें तो ये टाइम डोमेन में हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अच्छा, अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि टाइम और जेड वेरिएबल जो है कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड, यानी टाइम और ओमेगा टी इस तरह से इकट्ठे आए हुए, तो ये एक एक्चुअली ये प्रोपगेटिंग फंक्शन है। टाइम जो कि इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहा है, अगर जेड भी इंक्रीज करे तो ओमेगा टी माइनस के जेड जो है वह कांस्टेंट होगा, जिसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और वो स्पेस के अंदर प्रोपगेट करती हुई नज़र आएगी। तो ओमेगा टी माइनस के जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को हम अगर डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास वी पी इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी टी के जेड किस रेट से वेरी करेगा,
ताकि ये फैक्टर कांस्टेंट रहे ओमेगा टी माइनस के जेड। तो वी पी की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है ये आती है और ये ओमेगा ओवर के और ये वन ओवर एप्सिलॉन एंड रूट। ये एप्सिलॉन और म्यू की वैल्यू फ्री स्पेस में अगर पुट करें तो ये जो वी पी की वैल्यू जो है वेलोसिटी ये 2.98998 मीटर्स पर सेकेंड और ये वेलोसिटी ऑफ ये एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो यहाँ से एक्चुअली हमने ये नतीजा निकाला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक एग्जिस्ट करती है और वो वेव जो है एक वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर की स्पीड पे ही ट्रैवल करती है, जिसका मतलब है कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका एच कंपोनेंट जो है वो हम मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ करके निकाल सकते हैं और जब हम निकालेंगे तो ये एच वाई कंपोनेंट निकलेगा और इसकी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट डिवाइडेड बाय ईटा। ईटा जो है इसके यूनिट्स हैं वो ओम्स में हैं और इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ द मीडियम और इसकी वैल्यू जो है फॉर फ्री स्पेस 377। और इस केस में हमने देखा कि ई एक्स कंपोनेंट है और एच वाई कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का एच एक्स और एच जेड जीरो के बराबर है। हम एक सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं तो एक सॉल्यूशन कंसीडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम डोमेन में ये इसकी शक्ल है, ये फेजर फॉर्म में है और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि फेजर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर फेजर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसकी रेशो वन ओवर ईटा के बराबर है, ईटा के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स ओवर एच वाई लें तो ये ईटा के बराबर है। और दूसरी चीज़ यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक्स और वाई कंपोनेंट्स जो हैं ये ऑर्थोगोनल है एक दूसरे, 90 डिग्री पर है। वेव जो है वो जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के ट्रांसफर्स हैं, इसलिए इस वेव को हम कहते हैं ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो फील्ड कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में है वो यूनिफॉर्म है और इसलिए यानी एक्स और वाई के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है तो इसलिए हम इसे यूनिफॉर्म प्लेन वेव कहते हैं। प्लेन वेव इसलिए कि इसका जो वेव फ्रंट है वो प्लेन है। ये एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसके अंदर ये एक स्नैपशॉट है, हमने एक पर्टिकुलर टाइम पर हमने इसकी तस्वीर ली है स्पेस के अंदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन है। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज, यहाँ मैक्सिमम ये है तो ये भी मैक्सिमम है, ये ज़ीरो है तो वो भी ज़ीरो हो गया, ये नेगेटिव हो गया तो ये भी नेगेटिव हो गया और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ये हमने एक्चुअली एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, अब टी जब बढ़ेगा तो ये सारी वेव जो है ना थोड़ी आगे आ जाएगी तो जेड डायरेक्शन में ही, तो इस तरह से ये वेव प्रोपेगेटिंग वेव है और ये जेड डायरेक्शन प्रोपेगेट कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।